खूंटे में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। भाई लोग आज ये कहानी बा, एकरा के ध्यान से सुनी, बिहार के पारंपरिक कहानी बा। एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे पर उसने एक चने का दाना पाया, वह उसे लेकर चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई, एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की। उसने कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा राजा बढ़ई डाड़ो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी? रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी बिनती दोहराई, सरप सरप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दाड़े, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर बिसैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते? सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया ने कहा, लाठी लाठी सांप पीते, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं काल लेके परदेश जाऊं। बांस की
लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर ले मोल लेती। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़भूजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुँची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो जिसमें वह बांस की पेड़ है, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। लाठी न बिस्धर मारे, बिस्धर न रानी डरे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दाड़े, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेश जाऊं। आग ने जब आग ने इतनी खुशी की बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया सागर के पास पहुँच गया और उसे अपने सुनाकर सागर का आग बुझाओ। आग न जंगल जा रे, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न बिषधर मारे, बिषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेश जाऊं। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम हो गई। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुँची। हाथी के पास उनसे अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है, बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्याथा कथा हाथी को सुनाने लगी। सागर न आग बुझावे, आग न जंगल जा रे, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न बिषधर मारे, बिषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेश जाऊं। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूटने लगा। वह थक कर चूर हो गई थी। जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किससे उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी।
उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही है। उसने ध्यान से देखा उसका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्ती तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृतांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहन इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है, चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया यह सोचती रही कि भला यह नन्ही नन्ही चींटियाँ मेरी क्या मदद करेगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम न आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है। चींटी बहना हमारा साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है उसके पीछे, फिर घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी, तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पास की पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ, कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगर होते अपनी आँखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुँची। हाथी अपनी सूप जैसे कान हिलाता सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी। बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता न करे तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाए तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेली आई हूँ, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है, कहीं सब ने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो, मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो। मरता क्या न करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सोखने को तैयार हो गया। मोहे काटो ओटो मत कोई, हम सागर सुखबई लोई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला,
मोहे सोखो सोखो वोखो मत कोई, हम आग बुझाई बिलोई। सागर जब अपनी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थरथर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मोहे बुझावा उझावा मत कोई, हम जंगल जारब लोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी, गौरैया भी साथ चली आ रही है। यह जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जला कर राख मत करो। मोहे जोरो ओरो मत कोई, हम सांप को मारब लोई। सांप की क्या मजाल, जो जंगल की बंसवाड़ियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मोहे मारो ओरो मत कोई, हम रानी डसब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डसो ओसो मत कोई, हम राजा त्यागब लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हठ पर टिकता। उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोहे त्यागो ओगो मत कोई, हम बढ़ई दंडब लोई। फिर क्या था, बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की, मोहे दंडो वंडो मत कोई, हम खूंटा फाड़ब लोई। गौरैया को और क्या चाहिए। गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खूंटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूंटे से दाल निकाल कर दी और गौरैया उसे अपनी चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहचहा कर उसका स्वागत किया और वह अपने चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुना कर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया। बड़े बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आई तो वे चींटियाँ, जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आता है।